स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट के बारे में कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है रियल क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था और डाउट था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी एक वीडियो बना के दीजिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिहार सिविल कोर्ट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाली है क्या 20 फरवरी से शुरू होगी, किसी किसी ने बोला है 15 फरवरी से। तो इस तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए हो रही है। CBT 1 एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कैसे कब आएगा, कैसे देखेंगे, फेक न्यूज़ से सावधान रहना है, इसके बारे में नोटिफिकेशन निकल कर सामने आई है जो कि इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिहार सिविल कोर्ट बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए यह मतलब भर्तियां निकाल के सामने आई थी कि क्लर्क वालों के लिए 3325 सीट थी, स्टेनोग्राफर को 1582, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक के लिए 1132 और चपरासी या प्यून के लिए कह सकते हो 1673 पोस्टें थी। इसके बारे में परीक्षा होनी है CBT 1, उसके लिए आप लोग सभी चिंतित हो। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है जो कि आपको ऑफिस ऑफ द कन्वर्नर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विथ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क स्टेनोग्राफर कट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड प्यून ऑर्डिनरली, ठीक है ना, इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। ये सब के लिए आपको अभी जो है डिसाइड नहीं किया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। द नोटिस रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन वायरल इन सोशल मीडिया एज वेल एज न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इन द रिगार्डिंग इज फेक एंड फॉल्स। जो आपको नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रही है इसके रिगार्डिंग कि हाँ 15 तारीख की होगी, 20 तारीख की होगी, 25 तारीख की होगी या 26 तारीख की होगी, ये बिल्कुल ही फेक है और गलत है। तो ये सबसे सावधान रहना है। इसी के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये सब जो नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रही है कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से होगा, ये बिल्कुल ही फेक है और फॉल्स है। अभी किसी भी तरीका का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाली है, इसलिए सावधान रहें, इन फेक न्यूज़ से बचें। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आउट होगी मैं वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा कि हाँ कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे एडमिट कार्ड निकलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, लीगल एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ फेक एंड फॉल्स न्यूज रिगार्डिंग ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार। कोई भी इनके रिगार्डिंग कोई अगर फेक या फॉल्स न्यूज वायरल करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए आप लोग सतर्क रहें। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलर विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स पटना एंड डिटेल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एज मेंशन इन योर अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको जो है पटना के हाई कोर्ट सिविल कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप बार बार विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, तभी जाकर आपको सभी पता चलेगा। अन्यथा आपको जो है यहाँ पर मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा जैसे ही कोई लीगल नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, तो ठीक है ना, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी पर का डाउट है तो कमेंट कीजिए, इसी टाइप का और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।